सो हम लोग निकल चुके हैं और एक रोड ट्रिप पे। सो सुबह सुबह का राइड, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव, हम लोग चलते हैं पूरी, करते हैं पूरी को एक्सप्लोर। Hey guys, good morning. और एक नए ब्लॉग में सब लोग का स्वागत है। एंड अभी टाइम हो गया है 6:15 सुबह का। हमारा प्लानिंग था 5:30 घर से निकलने के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो चुके हैं, 1 घंटा लेट। एंड मैंने भी उधर रेडी हो चुकी है, अरब इधर रेडी हो रहा है, ग्लोव्स पहन रहा है। ये वाला ग्लोव्स नया है और इसको पहन के मैं गाड़ी चलाऊंगा। सब कुछ रेडी हो चुका है, वहाँ पे ये बैग एंड उसमें लैपटॉप जाएगा। एंड बस सबके लिए नया जूता और ये एक टैंड बैग जाएगा, ये जाएगा गाड़ी के ऊपर। बस अभी चाय पीते हैं फिर निकलते हैं और एक नया रोड ट्रिप पे। तो सुबह सुबह मैंने एक्चुअली चाय भी रेडी कर ली थी, साथ में बिस्किट कुछ खा के निकलेंगे और रास्ते में कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे, इसलिए चाय और बिस्किट। तो टाइम अभी निकलते निकलते 7:10 बाकी है एंड टाइम था 5:30 निकलने के लिए, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं। तो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। आराम से बैठो। जय जगन्नाथ। 2 किलोमीटर है अभी 10,984। यहाँ से हम लोग को पहले जाना पड़ेगा बनरपाल संतरी चौक। तो मौसम फिलहाल एकदम ठंडा है, कल मैं एक्चुअली टैंक फुल कर लिया था, तेल भरवाना नहीं पड़ेगा फिलहाल। अभी 14-15 लीटर का टैंक है तो फुल है। अभी से गूगल मैप तो हम लोग सेट नहीं किए, आगे से कहीं पे सेट कर लेंगे। फिलहाल घर से हम लोग चाय बिस्किट मीनाक्षी बनाई थी एंड वेलकम टू तालचेर रेलवे स्टेशन। सो हम लोग निकल रहे हैं अभी पूरी, तालचेर रेलवे स्टेशन को बाय बाय करके। एक्साइटेड है रोड ट्रिप के लिए, पहला रोड ट्रिप होगा हम तीनों के लिए एंड वो भी लंबा, इतना लंबा। सो सुबह सुबह का राइड एंड ये मेरा छोटा सा प्यारा सा गाँव, गाँव को भी बाय बाय कर रहे हैं कुछ देर के लिए। चलो थोड़ा टाइम के लिए भैया ने ये गेट उठा दिए, थैंक यू भैया। गाड़ी को कहीं आगे रोकते हैं क्योंकि मीनाक्षी को थोड़ा वो बैग प्रॉब्लम करा रहा है, टाइट है एकदम, तो उसको थोड़ा लूज करा लेंगे तो वो पीछे जो हैंडल है उसमें टिका लेंगी, नहीं तो पूरा वेट क्या है ना कंधे पे आ रहा है। ये रहा NTPC प्लांट जो कि बंद हो चुका है ऑफिशियली। तो मेरा कॉलेज एंड यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं NH में, जितना जल्दी हो ये वाला प्याज को क्रॉस करना है। आगे एकदम धूल देखो, सुबह 7:00 ये वाला ट्रैफिक। सो नीचे नदी, क्या व्यू है यार, ऑसम व्यू है, सूर्य भगवान एंड नीचे नदी। सो हम लोग निकल चुके हैं और एक रोड ट्रिप पे, कंफर्ट लेवल को इस बार थोड़ा साइड किया एंड चुने हम लोग एडवेंचर वाला रास्ता। पता है इस वाले रास्ते में धूल मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, धूप मिलेगा, लेकिन थोड़ा एडवेंचर करना था, थोड़ा हटके कुछ करना था। हर बार ट्रेन 4-व्हीलर लेके जाते हैं अपना कम्फर्ट के लिए, लेकिन इस बार चुने हम लोग AC वाला रास्ता, गड्ढे हो एंड धूल हो, मिट्टी हो, तो कुछ तो मज़ा उठाएंगे, लाइफ का मज़ा उठाना चाहिए। बस ये टारगेट है कि जैसे मीनाक्षी और आरब को एकदम कम्फर्टली लेके जाऊं, कम्फर्टली लेके आऊं। अभी जस्ट रोड ट्रिप स्टार्ट हुआ है तो इन लोगों का, माँ बेटे दोनों का एनर्जी लेवल एकदम हाई होगा, मेरे को भी पता है, मेरा भी एनर्जी लेवल एकदम हाई है। मेरे को भी पता है जैसे टाइम ढलता जाएगा, धूप बढ़ता जाएगा तो वैसे ही बॉडी एग्जॉस्टेड होता जाएगा। तब तक जितना जल्दी हो इन लोगों को एंटरटेन करा के आगे बढ़ेंगे। तो इस सफरनामा में आप लोग भी जुड़े रहिए साथ में, ताकि मज़ा डबल आ जाएगा। मेरे साथ में भी आप भी सफ़र में चलिए, हम लोग चलते हैं पूरी, भगवान जगन्नाथ टेम्पल करते हैं पूरी को एक्सप्लोर। सो
सो जैसे मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ, आ रहा बोल रहा है इतना स्पीड भी जैसे थोड़ा स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो टाइम पे भी पहुँच नहीं पाएंगे। वैसे भी लेट हो चुके हैं और आप लोग देखिए कितना सारा ट्रक, बीच बीच में ये सब दिखेगा आप लोगों को कैसे इससे ट्रांसफर कर रहे हैं कोयला, और एक गाड़ी बह गया है नीचे। तो ये सब नज़ारा आप रोड ट्रिप पे एंजॉय कर सकते हैं। सामने ही है बनरपाल, ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर हम लोग अभी क्रॉस किए 20 मिनट में। बनरपाल से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आगे यहाँ तक रास्ता अगर क्रॉस कर लोगे तो फिर बाकी का जो भी सफ़र है वो इजीली हो जाएगा। देख रहे हो सामने धूल, मतलब फ्री में पाउडर मिलता है हमारा उड़ीसा में, स्पेशली अनुगुल में फ्री का पाउडर है। मीनाक्षी जी भी पीछे से बोल रही है। तो हम लोग आ चुके हैं संतरी चौक, यहाँ से हमको जाना है राइट। यहाँ तक हम लोग सही सलामत पहुँच गए, यहाँ से फिर बढ़ेंगे आगे। छोटा सा मार्केट लगा हुआ है सुबह सुबह और ये अंदर से सब फ्रेश वेजिटेबल आता है। तो सुबह सुबह रोड ट्रिप पे निकल चुके हैं एंड बस अभी 20-25 किलोमीटर हम लोग आए। एक्चुअली मीनाक्षी को ये बैग थोड़ा प्रॉब्लम करा रहा था तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा लूज कर लिए। इसी बीच आ रहा भी थोड़ा टहल लेगा, चलेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ से रास्ता एकदम बराबर मिलेगा, जो टेंशन वाला रास्ता था तालचेर से संतरी चौक तक वो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और टाइम हुआ है अभी सुबह का 7:30। आगे बीच में कहीं पे रोकेंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि सुबह से हम लोग जो भी खाए हैं चाय बिस्किट और कुछ नहीं, तो चले। मीनाक्षी का ये पहला रोड ट्रिप है, आरब का पहला लंबा रोड ट्रिप है, कितना एक्साइटेड हो? तो बस जल्दी निकलते हैं एंड सूर्य भगवान अपना प्रकोप दिखाने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत लंबा, चले। सो बस यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक था, मीनाक्षी का वो बैग रेडी करवाना था एंड निकलते हैं अभी। गाड़ी एकदम हेवी है सो आरब को प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था, थोड़ा टैंक बैग को साइज कर देते हैं। हुआ मैं सोच रहा था कहीं आगे रोकेंगे गाड़ी को, और मीनाक्षी को जैसे मैंने पूछा अगर भूख लगेगा तो बोल देना, तो मीनाक्षी बोली कि नहीं आज तो दुर्गाष्टमी है और उसका उपवास है, वो तो नहीं खाएगी, कहीं पे फ्रूट्स जूस या तो नारियल पानी मिलेगा तो पी लेंगी एंड आरब और मैं आगे कहीं पर हल्का कुछ खा लेंगे। आप सबको हैप्पी दुर्गाष्टमी। सो शंकरपुर और 47 किलोमीटर बाकी है, मतलब स्पीड हमारा सही है, अभी 8 हुआ है सुबह का, 60-70 होके हम लोग जा रहे हैं। एंड आरब को एक ट्रिक मैंने बता दिया कि बैठ बैठ के अगर थोड़ा कोलैप्स लगेगा एंड थोड़ा अनकम्फर्ट लगेगा तो फुटरेस्ट वहाँ पे अपना पैर टिका के एकदम बीच बीच में खड़े रहो मेरा कंधा पकड़ के। सो अभी 8 हुआ है और आठगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ पे हम लोग रोके हैं आके, एक टिफिन सेंटर है महापत्र टिफिन स्वीट्स एंड स्नैक्स हरिहरपुर हिंदोल। सो मीनाक्षी कुछ नहीं खाएगी बोल रही है तो मैं एंड आरब अगर हल्का कुछ खा लेंगे, चाय पी लेंगे। सो चाय तो पियोगे ना, चाय पियोगे? सो रोड के एकदम किनारे हमारा गाड़ी खड़ा है एंड इधर स्नैक्स दुकान है एंड बगल में एनएच, आरब उधर बैठा है, मीनाक्षी बैठी है। मीनाक्षी कुछ नहीं खाएगी लेकिन मैं थोड़ा टिफिन कर लूँगा हल्का एंड एकदम अपोजिट में होटल पैराडाइज। तो अभी हम लोग हैं हरिहरपुर में और बगल में स्नैक्स सेंटर है, यहाँ पे हल्का नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। चाय के लिए ऑर्डर कर दिया है, मीनाक्षी तो आज कुछ नहीं खाएगी तो चाय वाय पियेंगे, यहाँ से फिर निकलेंगे। 10 किलोमीटर है अभी आठगढ़, उधर से और 100 किलोमीटर होगा, रिजल्ट टाइम पे पहुँचेंगे मेरे को लग रहा है 12 बजे के अंदर। तो नाश्ते में है बड़ा और चाय साथ में एंड मीनाक्षी आरब बैठे हैं, हमारा गाड़ी वहाँ पे है, देखिए आरब खा रहा है अभी खाना, यहाँ पे बड़ा और चाय। अरे और खाया क्या? बड़ा तो मस्त है, नहीं खाया बस बड़ा और चाय, यहाँ पे ख़त्म करेंगे फिर निकलेंगे आगे। तो नाश्ता हो चुका है ख़त्म, अभी यहाँ से निकलेंगे। आरब किधर गए? मेरा आरब तो बस अभी निकल रहे हैं
एंड यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक हो गया, वजह से बोले कि अच्छा बड़ा मिलता है, अगर इस रोड पे जा रहे हो तो यहाँ पे जरूर रुकिए। चले तो माँ बेटे दोनों एंजॉय कर रहे हैं राइड के ऊपर। चलिए गाइस मिलते हैं कहीं आगे।